हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आर माई विलेज किचन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सूखे नारियल की बहुत ही टेस्टी अमेजिंग रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सूखे नारियल को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है और इसी तरह करना है दोस्तों आप लोगों को। और लिया है हमने यहाँ पे मिक्सर जार। अब जो नारियल के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको जो है इसी में डाल देना है। हमने यहाँ पे इसलिए छोटे छोटे टुकड़े किए हैं कि इसे जो है पीसने में आसानी हो, इसलिए हमने इसको काट लिया है। तो सारा दोस्तों इसमें हम डाल के इसको जो है एकदम बारीक पीस लेंगे। इसमें छोटे टुकड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो है हमने इसको जो है बहुत ही बारीक पीसा है और इसी तरह का जो है होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम क्या तैयारी करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई को जो है हमने अभी गैस पे नहीं रखा है। अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों दूध। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने उबला हुआ फुल क्रीम दूध लिया है और ये लगभग 250 ग्राम के करीब दूध हमारा है। अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों 200 ग्राम के करीब चीनी। और सारी चीनी को डालने के बाद इसको जो है हम अच्छे से मिलाएंगे और इसी तरह चलाते हुए जो है इसको चीनी को जो है हम पिघला लेंगे। इस रेसिपी में ज़्यादा सामग्री की दोस्तों बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, बस 2-3 सामग्री में ये बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने गैस पे जो है कढ़ाई रख दी है, गैस भी ऑन कर दिया है और इसे जो है चलाते हुए पका लेंगे। अभी इस टाइम पे गैस का फ्लेम थोड़ा तेज़ रखेंगे और जब ये अच्छे से उबलने लगे तो हम इसको मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है और इसी तरह चलाते हुए हम इसको जो है 10 मिनट ऐसे ही पका लेंगे। जब दूध हमारा हल्का गाढ़ा हो जाए, इसका कलर ही चेंज हो जाता है, तो तब इसमें हम डालेंगे जो हमने यहाँ पे सूखे नारियल बारीक पीस रखे थे उसको डाल देंगे। तो सारा दोस्तों इसी में डाल देंगे। देखा ना कितना बारीक पिसा हुआ है। अब इसे हम जो है अच्छे से चला देंगे। गैस का फ्लेम एकदम धीमे रखेंगे यहाँ पर और बहुत ही अच्छे से चलाएँगे। अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों, जो आपके पास अगर दूध की जमी हुई ऊपर की जो है मलाई होती है उसको हम डालेंगे। तो ये दोस्तों मलाई जो है 3-4 चम्मच के करीब है। इससे जो है बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो इसको जो है अच्छे से चला देंगे। इसमें घी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको जो है लगातार इसी तरह हम चला लेंगे। अब इसमें हम दोस्तों डालने वाले हैं फूड कलर। तो यहाँ पे हमने येलो कलर का फूड कलर लिया है। आपके पास जो है जो कलर आप डालना चाहते हो, जो आपके पास हो वो कलर आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे। इसे जो है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम जैसे हलवाई लोग बनाते हैं उस तरह का ये देखने में लगेगा। खाने में तो वैसे भी लाजवाब होगा दोस्तों। तो इसे लगातार हम चलाते हुए पका लेंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये जो है कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो हमने यहाँ पर इसको बाहर रख दिया है हटा के। अब हमने थाली ली है। अब थाली में थोड़ा सा यहाँ पर हमने देसी घी डाला है और इसको जो है अच्छे से चारों तरफ घी को हम फैला देंगे चारों तरफ अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, घी हमने चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है और जो हमने मिश्रण तैयार किया है सारा नारियल का ये, और इसको हम जो है अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एकदम पतला नहीं फैलाएंगे, थोड़ा यहाँ पर हमने मोटा ही फैलाया है, इससे जो है बर्फ़ी बन। तो दोस्तों चारों तरफ इसको जो है अच्छे से हम बराबर से फैला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे काजू और बादाम के छोटे छोटे टुकड़े। इसे देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। अब इसको जो है अभी ये जो थोड़ा सा ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा गर्म ही है, तो इस तरह हम करेंगे दोस्तों। तो जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ये चिपक जाएंगे इसके अंदर। और इसको जो है दोस्तों अभी हम थोड़ा रख देते हैं क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। तो अब दोस्तों इसको जो है हम चलिए अब काट लेते हैं एकदम बर्फ़ी के शेप का। तो ये दोस्तों नारियल की हमारी सुपर टेस्टी बर्फ़ी तैयार हुई है। तो चलिए दोस्तों अब इसको जो है चाकू की हेल्प से इसको काट लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको इसी तरह काट लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अभी जो है थोड़ा सा मुलायम है तो इसलिए अब थोड़ा सा निकलने में परेशानी होगी। तो थोड़ा सा देर रख देंगे हम ना, तो बहुत ही आसानी से ये निकल आएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए इस तरह का ये निकल रहा है और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मुलायम जो है नारियल की हमारी बर्फ़ी बनी हुई है।
देखा ना दोस्तों, बनाना कितना ही आसान है। बस घर की चीज़ों से ही ये बनके तैयार हो जाती है, बाहर की चीज़ें हमें लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और बनाना भी कितना ही आसान है, इसे हर कोई बना सकता है। तो दोस्तों, ये सुपर टेस्टी नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।